स्टूडेंट्स असी मंच महक विच दर्ज इकांगी सुहाग का पन्ना नंबर 5 रीड किया सी ते आज असी पन्ना नंबर 6 अते 7 की रीडिंग करांगे। रीडिंग शुरू करन तो पहला कुछ औखे शब्दों के अर्थ लिखांगे। 9 पेज नंबर 6 सिर खपाउंदियां मत्था मारदियां केस मारी बैठा है। केस मारी बैठा मीनस कि उसने केस मारी है कि गल नहीं सुनता, ठीक है। मुद्दता समा सोहंदियां चंगियां लगदियां चिंता फिकर सिंगत पै जानी तारा डूब जाना औड़दा सुजदा खड़कार आवाज। हुण बेटा असी रीडिंग शुरू करांगे। पन्ना नंबर 5 विच बेटा कौरां ते बुढ़ी औरत आपस विच मेलो दे विआह बारे गलबात कर रही सन, ठीक है। हुण कौरां पिछलियां जमानियां विच कुड़ी पंजवां टपदी नहीं सी ते उहदा विआह कर दिंदे सन। लै मैनू अपने विआह दी कोई सार नहीं कदों होया। हुण बेटा कौरां बुढ़ी औरत नूं कह रही है कि पिछले समें विच की हुंदा सी कि कुड़ी पंजवां नहीं सी टपदी भाव के 5 सालां दी नहीं हुंदी सी ते उहदा विआह कर दित्ता जांदा सी ते उस नूं अपने विआह दी कोई सार नहीं, सार मीनस कि कोई पता नहीं कि उसका विआह कदों होया। बुढ़ी भैन समय होर दे होर हो गए ने, कलयुग आ गया है कलयुग, तीवियां दी तां सुनदा ही कोई नहीं, मर्दां दे जो मन हुंदा है करदे ने, मेरी तां उम्र बीत गई सिर खपाउंदियां मर्दां नाल। मेरी पोतरी दुर्गो ने 2 महीनियां नूं पूरे 5 वरियां दी हो जाना है ते मैं अपने वल उहदे लई मुंडा लभ रख्या है पर कुड़ी दा प्यो नहीं मनदा। हुण बुढ़ी औरत कौरां नाल बेटा गल्लां कर रही है कि उसकी पोतरी, बुढ़ी औरत की पोतरी का नाम की है दुर्गो, कि उसने अजे 2 महीनों नूं 5 वरियां दी होना है ते उसने पहला ही उहदे लई रिश्ता रख्या होया है, रिश्ता लभ लिया है ते मेलो जो है जो कि 17-18 वरियां दी हो चुकी है ते हुशियारचंद अजे तक उहदा कोई भी रिश्ता नहीं कर लिया। कौरां होर तां होर साडी मेलो नूं सुख नाल 18वां चढ़न वाला है ते प्यो उहदा अजे तक केस मारी बैठा है। बुढ़ी सच्ची पुछे तां केस तूं आप मारी बैठी है, जे उठदे बैठदे नूं आखदी रवे तां उह प्यो ना ख्याल रखे। कौरां मैं आख आख के खप गई हाँ बेबे पर उहदा इक्को जवाब है अज करने आं कल करने आं, बस अज कल कहिंदियां नूं मुद्दतां लंघा छड्डियां सो। बुढ़ी भैने जमाना बुरा जांदा है, मेलो दा प्यो आउंदा है तां उहनूं जोर दे, एडियां वसन रसन जोगियां कुड़ियां नूं कौन घर बिठाल छड्डदा है। सियाणियां क्या है धीआं अपने सहुरे ही सुहंदियां ने, कि धीआं जिहड़ियां ने अपने सहुरे घर ही चंगियां लगदियां ने। कौरां बेबे मेरी तां जान सुक गई है फिकर नाल, रात दिन इहो ही चिंता लगी रहिंदी है। बुढ़ी पर हाल दी घड़ी तां तुसीं टक्के गए, पंडताणी गल करदी सी कि पई कल तों संगत पै जाणी है। हुण बेटा पंडताणी ने की कहे कि कल तों संगत पै जाणी है कि तारा डुब जाणा है जिहदे विच कि अजे तक रिश्ता नहीं हो सकदा। कौरां मैनू तां कुछ ओढ़दा नहीं पई की करां, उहनूं मैं कई वार कह चुकी हाँ, सुण के हूँ हाँ कर छड्डदा है, गल्लां बथेरियां करदा है पर बणाउंदा कुछ नहीं। बुढ़ी चंगा फिर जदों मैनू मिलेगा तो मैं उहदे कन्न चंगी तरह खोलांगी, बाहरों पैरां दी खड़कार सुनाई दिंदी है। कौरां लै भावें ओह ही आया होवे हुणे ही तूं उहनूं को मैं तेरे नाल लगनी हाँ। हुण हुशियारचंद घर आ जांदा है ते बुढ़ी औरत नूं कौरां कहिंदी है कि मेरे नाल लग, मैं भी उहनूं मेलो दे विआह बारे आखदी हाँ। हुण बेटा इस फेज विच बुढ़ी औरत दी पोतरी दा की नां सी? बुढ़ी औरत दी पोतरी दा नां दुर्गो सी। बुढ़ी औरत ते कौरां दा आपसी वार्तालाप दा मुख कारण की हुंदा है? बुढ़ी औरत ते कौरां दी आपसी वार्तालाप दा मुख कारण कौरां ते हुशियारचंद दी धी मेलो दे 17-18 वरियां दी जो हो गई है उसका विआह है। नौ पेज नंबर 7 औखे शब्दां दे अर्थ। सददा ए बुलाउंदा ए ख्याल विचार चल मारदा, चल मीन्स हवा, ढूंढ लभना, औड़क
अंत अखीर भी किया जा सकता है। राजे राजे तो भाव नाई। हुण बेटा रीडिंग पन्ना नंबर 7 दी शुरू करांगे। बुढ़ी ना ना भैन ये वेला ठीक नहीं किसी होर दिन सही हुण मैनू जान दी काली है काका उड़ीकदा होवेगा। हुण कौरां बुढ़ी औरत नूं कह रही है कि हुशियारचंद घर आ गया है ते मैं उस दे नाल रल के मेलो दे विआह दी गलबात करदी हाँ। पर बुढ़ी औरत उस दी गल नूं नकार दिंदी है भाव कि उस दी गल नूं इनकार कर दिंदी है। हुशियारचंद आउंदा है। बुढ़ी उठ के ते चादर दा पल्ला मूँह उत्ते नीवा करके लै भाई पीड़ी। हुशियारचंद बह जा बेबे बह जा एडी काली काली है। एक निक्का जिहा मुंडा आउंदा है। मुंडा दादी दादी भाइया सददा है कहिंदा है छेती आ मैं काम जाना है। हुण बुढ़ी औरत नूं बेटा कौन बुलाउण आउंदा है? एक छोटा जिहा मुंडा जो कि उसका पोतरा है। बुढ़ी चल पुत्र मैं आवें करनी है आवें करनी है पीस की मैं आनी हाँ मैं आ रही हूँ मैं अगे ही आख्या सी भई उड़ीकदा होवेगा। बुढ़ी ते मुंडा चले जाते हैं। कोरा मेलो दा भाइया मैं तेनू हज़ार वारी कुड़ी वल्लों आख्या है तू सुन के कन्ना कोलों दी लंघा छड़दा है। मेलो नू सुख नाल अठारवां लगन नू फिरदा है ते तेनू ओदे मंगन दा कोई ख्याल नहीं। हुण बुढ़ी औरत बेटा अपने घर चली जाती है ते कोरा अपने पति हुशियारचंद नू मेलो दे रिश्ते बारे कहती है कि कुड़ी नू 18वां साल लग चुका है ते तेनू उसके मंगन दा भाव कि ओदे रिश्ते करन दा कोई विचार नहीं है। हुशियारचंद पीड़ी नू पैर ना लगे करके ओदे उत्ते बैठता है ते कुड़ते दे अगे नाल अपने आप नू चल मारता है। तू तां एवें बड़बड़ लाई होई है ना तेरी धी बहुती है मेरी घट है मैं नहीं जानता भई वड्डी हो गई है तेनू की पता है भई मैं कदों दा ढूंढ तलाश विच लगा होया हाँ पर कोई काम दा वार लभे तां ही करिए ना। हुशियारचंद कौरां नू जवाब दिंदा है कि ओह भी रिश्ते दे लई हाथ पैर मारिया है भाव ओह भी अपने धी दे लई रिश्ता लभ रहा है। कौरां मैनू दुख तां इस गल दा है भई दुनिया की कहिंदी होवेगी ऐ हुण बेबे गल्लां करदी गई है। हुशियारचंद बस बेबे गल्लां ही करन जोगी है ना कुछ कम तां नहीं करन जोगी ए तां बुढ़ियां दा कैदा है जिथे बैठणगियां इधर उधर दियां गल्लां मारनगियां होर इन्हां नूं कम की होया। कौरां लैखां भला मुक्त दे नहोरे देण दा की राह होया। मुक्त दे नहोरे तो भाव मुक्त दे ताने मैणे। औड़क औड़क मीनस अंत कहिंदी अंत मर्द मिल के बैठते तां गल्लां नहीं करदे। हुशियारचंद कहिंदा है कि बुढ़ियां तां जदों चार जनियां इकट्ठियां होंदियां ने तां गल्लां ही करदियां ने होर की करदियां ने। तां कौरां उसनूं कहिंदी है कि मर्द जदों मिल के बैठते वह गल्लां नहीं करते पर दस ओहदे वल्लों खसमा खाणी दा नां भुल गया ही मेरे मूँह अगे फिरदा ही हाँ हाँ जंडपुरे जिथे राजे नूं भेजिया सी उत्थों की पता आया है। हुशियारचंद मैं इहो तां तैनूं दसण लगा सी पर तू बेबे दियां गल्लां विच लग पई। हुण बेटा हुशियारचंद ने राजे नूं जंडपुरे दे रिश्ते बारे भेजिया सी हुण ओह अपनी धी दा रिश्ता जंडपुरे तय किया होया है ते असीं हुण बेटा पेज नंबर 6 ते 7 दी रीडिंग कर ली है ते हुण तुसीं बेटा नैक्सट क्लास तो पहला पन्ना नंबर 6 ते 7 दी रीडिंग करनी है इसनूं रिवाइज़ करना है। टिल दैन गुड बाय।